जलंधर तो पुरानी सब्जी मंडी खोलन के लिए अच इतने दुकानदार इकट्ठे हुए हैं जिथे के जलंधर के एम एल ए साहब मनी बारी साहब बेरी साहब पहुंचे ने। बेरी साहब ने देखा गया कि मेरे पिछे बिल्कुल खड़े लोगों को देखो तुम कि ये सोशल डिस्टेंस का पालना कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने हमने अपनी बैड के कहा कि असी सोशल डिस्टेंस का पालना करांगे तो अपने कस्टमर नू भी सोशल डिस्टेंस दसांगे तो उस तरह ही बतावांगे। मैं कैमरामैन दविंदर नू कहना चाहुंदा पिछे एक बार दिखाण कि सोशल डिस्टेंस का ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। असी देख सकते हैं बिल्कुल तज्जियां उड़ाईयां जा रही हैं लेकिन कोई भी सोशल डिस्टेंस। ये जो रेड जोन से जी इन 8-9 पेशेंट थे 8 तो एक परिवार के सी पेशेंट अलग थी वो 8 पेशेंट अपने घर आ चुके जो कोविड वाले जी। हम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन ने कहा कि तुम एक बार मौका देख लो। हूँ पुलिस ऑफिसर साहब आने आए थे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब आने आए थे उन्होंने मौका दिखा दिया जी। उन्होंने जोड़ा एक पेशेंट रह गया उनके जोड़े नज़दीकी घर से या कोई 8-10 दुकाना सगिया 15 जी वो उन्होंने बंद कहन वास्ते कहती हैं। बाकी असं जिन्या दुकाना सी इस तो जो टाइम है वो टाइम के नाल खुलावांगे और पैदल जोड़ा भी कोई दुकानदार को गाहक जाएगा वो पैदल जाएगा जिनी पार्किंग होगी इतने पार्किंग कराएंगे और जो भी पंजाब गवर्नमेंट की और सेंटर गवर्नमेंट की गाइडलाइन ने उन्होंने पूरा फॉलो कर। जिस तरह हूँ इस एरिए खोलिया जाएगा इस खोलन तो पहले सैनिटाइजर किया जाएगा ओके ये सैनिटाइजर करने तो बाद खोलिया जाएगा। जी मोबाइल मार्केट है ये भी खोली जाएगी ये भी खुल जाएगी लेकिन मोबाइल मार्केट या सब्जी मंडी के रश तो पै ही सकता है जी। हम नवी सब्जी मंडी है रश पैंता प्रतापुर सब्जी मंडी शुरू करती जी जो ये सब्जी मंडी शुरू करा प्रधान जी खड़े कोल इन्हों समझाया भी अंदर बिल्कुल पैदल बंदे जान अपने कोई सिक्योरिटी गार्ड ही लाएंगे प्रैक्टिकली 2 दिन का टाइम लाएंगे जे ठीक ढंग ना खुलेगी तभी। जिस तरह असं एक गल मान रहे हैं कि सरकार ने कोरोना नाल समझौता कर लिया है यही मन्ने जा रहे कि नहीं नहीं सरकार ने पूरी लड़ाई ली है। 2 महीने लॉकडाउन रहे असी घर रहे व्यापार सारे बंद किए हैं हूँ जिस तरीके दे नाल उपरों साडे कैप्टन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह होरां ने कह के असी जो करफ्यू हटाने लगे हाँ लॉकडाउन जारी रहेगा अभी उन्होंने गाइडलाइना और सेंटर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइना उन्होंने फॉलो करके अभी बाजार खुला। पर लोग थले भी देखा जाए तो ये लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं मान रहे करफ्यू ही वधिया सीगा या लॉकडाउन सही रहेगा इन्हों लोगों वास्ते। देखो हम जिन्हें घर रोटी नहीं जो बेचारा रोज़ कमाता रोज़ अपने घर कमाता हालात उन्होंने बहुत माड़े हैं उन्होंने बारे भी सोचना पेगा और सानू जो सरकार दी गाइडलाइन बारे उन्होंने बारे भी सोचना पेगा डॉल्फिन होटल के सामने जी। सो ओदी क्लीयरेंस नहीं सी भी जिहड़े हैगे दुकानदार जिद्दां कि अज मार्केट शुरू होनी जी सी ते ओदे च सीगा भी जिहड़ी हैगी आ डॉल्फिन होटल के सामने वाली रोड गई सी तो इन्हां नूं स्पैसिफिकली डिफाइन कर दिता गया कि जिहड़ी डॉल्फिन होटल के सामने जे हैगी उह कि हैगी आ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਏ ਆ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ।